करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्र के बीच में कृषि विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ा दी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। दो दिन से विद्यार्थी प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। जोबनेर स्थित विश्वविद्यालय के गेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है, बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए आशीष, जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण चल रहा है और इस दौरान तमाम विश्वविद्यालय और जो शिक्षण संस्थान है वो फीस में छूट दे रहे हैं, लेकिन जो कृषि विश्वविद्यालय है नरेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें तकरीबन 40% करीब जो 20-70 में फीस है वो बढ़ा दी गई है। इस बढ़ाई गई फीस के विरोध में लगातार दो दिन से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो स्टूडेंट है लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि जिस तरह से कृषि विश्वविद्यालय में अधिकांश जो जो कृषि से जुड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण चल रहा है और इस दौरान तमाम जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बंद है और इस आर्थिक नुकसान के समय में विश्वविद्यालय की ओर से तकरीबन 40% जो फीस बढ़ाना बेहद चिंताजनक है और इसी बढ़ाई हुई फीस को वापस लेने की मांग को लेकर ही जो विद्यार्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दो दिनों से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है और बढ़ाई हुई फीस को वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया गया और ना ही किसी तरह के जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का कहना है कि इस बार आदेश वापस लेने के बाद ही धरने से हटेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी तरह से विद्यार्थियों के साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वार्ता नहीं हुई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो मांग है उसको लेकर के प्रशासन समझाइश का प्रयास जरूर करेगा।